तो गाइस हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और मैं यहीं पर बैठा हूं, देखो वेटिंग रूम में बैठा हूं, और दीदी उन लोगों को खाने के लिए दे रही है। तो चलो चल के देखते हैं उनके खाना पीना कितनी दूर गया। चलो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं तो फ्रेश लग रहा है बहुत। तो क्या है कि जीजा जी और मैं जा रहे हैं हम दोनों सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए, तो आपको दिखाती हूँ। तो गाइस चलो थोड़ा सा फ्रेश रहते हैं उसके बाद चलेंगे। तो गाइस ये देखो हम सब्जियां खरीद रहे हैं, ये है हमारे जीजू और ये सब्जियां खरीदा हो रहा है हमारा दादू दादू। तो गाइस अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं नहाया हूँ, क्या बताऊँ। तो क्या है कि जो हॉस्पिटल गया था थोड़ा सा हमारे जो मम्मी जी हैं उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, और दीदी रूम में खाना बना रही थी क्योंकि आज दीदी का वीकअप है ना, वीकअप बेकार गया यार, बकवास। तो अभी हम खाना लेकर जाएंगे वहाँ पर, जो हमारे पापा हैं मेरी बड़े दीदी की सासू ससुर हैं, तो उनके लिए खाना लेकर जाएंगे और मैं जाते वक्त आपसे मिलूँगा। खाना क्या बना है आपको दिखाई थी आपको, ये है गोभी, ये है साग और ये है चावल, उनके लिए पैकिंग कर लिया, ये जाएगी, ये सब जाएगा हॉस्पिटल में। तो मैं फटाफट से नहा लेता हूँ, दीदी अभी नहा रही है तो साथ में जाएंगे हम दीदी और मैं, फटाफट से नहा लेता हूँ, नहाने के बाद आपसे मिलूँगा। तो चलो नहा लेता हूँ, नहाने के बाद मिलूँगा गाइस श्योर। और आज पसीना पसीना हो रहा है सर, मुंह और पेट हर बड़ी यार, क्या क्या होता हूँ, हर जगह पसीना पसीना हो रहा है, बहुत पसीना, गर्मी बहुत हो रही। तो चलो नहाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं, चलो। तो गाइज अब हम जा रहे हैं खाना लेकर हॉस्पिटल को, दीदी और मैं जाएंगे हैं, दोनों जाएंगे। तो चलो रेडी हो गए हैं, दीदी भी रेडी हो गया है, और चलो चलते हैं खाना देकर आते हैं। हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और मैं यहीं पर बैठा हूं, देखो वेटिंग रूम में बैठा हूं, और दीदी उन लोगों को खाने के लिए दे रही है। तो चलो चल के देखते हैं उनके खाना पीना कितनी दूर गया। चलो तो गाइस खाना पीना खत्म हो चुका है, अब चलते हैं रूम में। तो चलो गाइस चलते हैं रूम में, बहुत देरी हो गया, चलो। हम फाइनली रूम में पहुंच गए हैं, ये देखो दीदी आ गई है। तो चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, आज तो बहुत भाग दौड़ हो गया है, क्या बताऊं। ऊपर का चला, चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस हम अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि आज बहुत इधर उधर घूमते घूमते बहुत टायर्ड लग रहा है। तो दीदी अभी देखो सो गई है, ठीक। तो गाइज थोड़ी देर सोते हैं उसके बाद आपसे मिलेंगे, बाय। हे गाइज तो फाइनली हम उठ गए हैं, क्या हुआ था कि इतने ज़ोर से नींद लगा था कि हमें टाइम कहाँ पता ही नहीं चला गाइज, क्या होता हूँ, शाम हो गई है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज शाम हो गई है, चलो फटाफट से पूजा करते हैं, उसके बाद उनके लिए फिर से खाना बनाएंगे और लेकर जाएंगे, उनको दे के आएंगे, बहुत बहुत काम है गाइज। तो चलो मैं थोड़ा सा पूजा कर लेता हूँ उसके बाद आपसे मिलूंगा। ये देखो चंदा मामा भी आ गए हैं, देखो ये देखो ये है। तो गाइस हमारा पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो गया और साफ सफाई वगैरह सब कुछ, हम बहुत सारा बर्तन था उसको दीदी ने साफ किया। तो दीदी अभी जा रही है हमारे आंटी के घर पर, क्योंकि उसका जो यहाँ पर हुआ था एक क्या हुआ था, पानी पी के बताएगा, पानी पी के हाँ सर में उसका चोट लग गया था, तो थोड़ा सा आईसी लाके इधर रखना है इसको।
तो वो जा रही आंटी के घर पर, तो मैं उस टाइम में आटा गूंद लेता हूँ, क्योंकि आज फिर से हमको मेरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे मेहमान हैं, उनके लिए खाना लेकर जाना पड़ेगा। तो चलो मैं आटा गूंद लेता हूँ, दीदी भी इस समय थोड़ा आंटी घर पर घुमाएगी, तो चलो। तो गाइस फाइनली हमारा खाना तैयार हो गया है, दीदी भी लेकर चली गई है देने के लिए हॉस्पिटल में। तो आज का खाना है, क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सब्जी, और ये सुबह का गोभी का करी, ये साग, ये थोड़ा सा चावल है, और ये है रोटी, कहते हैं ये है रोटी। तो इसे मस्त खाते हैं, तीन जनों मिलके खाएंगे इसको। गाइस यहाँ पर अभी मेरे भांजा, जो बड़े भांजा हैं, वो हॉस्पिटल में थे, यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम तीन मिलके खाएंगे, मस्ती करेंगे। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, शुभ मिलते हैं गाइज, बाय। देखो हमें हमारा पूजा भी खत्म हो गया, और साफ सफाई सब कुछ कर लिया हूँ। किचन ओ सॉरी।